ये हमारा प्रेजेंटेशन की तैयारी हो रही है, अभी कुछ देर बाद हमारा प्रेजेंटेशन तैयार होगा, तो ये PPT भी होगा हमारा प्रेजेंटेशन। यार अहमद, मुझे कह रहे थे 9 बजे पहुंचने, या खुद 10 बजे पहुंच रहे हो यार। रास्ते में थोड़ी ट्रैफिक की वजह से, या टायर पंचर हुआ, बस इंशाल्लाह 11:30। कुछ बताओ यार संतोष, इसको आज हमारी प्रेजेंटेशन है और दाऊद भी हमारे साथ है, आज हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि इस यूट्यूब पे ये अपनी प्रेजेंटेशन की वीडियो जा रहे हैं, जिस ये प्रेजेंटेशन कैसे देता है वो भी डालें, तो देखें हम। चलो ठीक है, मैं डालूँगी इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा। हाँ, वालेकुम सलाम, कैसा प्रेजेंटेशन की तैयारी है या नहीं? ये पार्टनर है, ग्रुप मेंबर। अच्छा, ये तेरा पार्टनर है? पार्टनर है, एक टॉपिक है हमारा। अच्छा अच्छा, हमारा प्रेजेंटेशन शुरू हो चुकी है और सबसे पहले ये संतोष और कदीर का प्रेजेंटेशन है और इसके बाद हमारा प्रेजेंटेशन होगा। चलो गाइस, हमारा प्रेजेंटेशन हो चुका है और बस यार कुछ गलतियां हमारी थी और कुछ हमारा प्रेजेंटेशन कैंसिल हुआ, तो दोबारा देने पड़ेगा प्रेजेंटेशन। हाँ चलो, हाँ संतोष क्या बोलेंगे यार, आज बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई है प्रेजेंटेशन की। नहीं नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी, मैम को पसंद नहीं आई, मैम ने बीच में इतना टोका जितना टोका जा सकता था। हाँ, कुछ भी बोलने नहीं दिया, हम जो बोल रहे थे बीच में क्वेश्चन, यार बीच में क्वेश्चन कौन करता है, बाद में पूछ लेती कि भाई आपने ये तैयारी नहीं की है तो ये बताइए कैसे क्या हुआ है, ये होता है। नहीं मैम ने बीच में ही बोलना है, मैम ऐसा लग रहा था कि हमारा प्रेजेंटेशन नहीं, मैम का प्रेजेंटेशन है। मैम खुद 80 साल की होगी, अब जाके उनकी आवाज़ सीख हुई, बोलना आता है। हम अभी सीख रहे हैं ना, बच्चे हैं सीख रहे हैं, तो सीखते सीखते टाइम लगेगा मैम। ये क्या तरीका होता है ऐसे टोकना, बस बच्चों को इतना ताना देती है। चलो ये क्या है, चलो खैर है, ये हमें सीखने को मिला। प्रेजेंटेशन देंगे और मैम को बताएंगे कि हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ कर रहे हैं। टॉपिक सेम होगा, नहीं सेम नहीं होगा, वो देगी, वो दूसरा टॉपिक देगा मेरे ख्याल से। दूसरा कहाँ से, यही टॉपिक? नहीं नहीं, दूसरा देगा, मैंने पूछा ना। कोई ऐसा लेंगे ना, ऐसे करेंगे भाई, क्या होता है पीयर ग्रुप, क्या होता है ये, क्या होता है अकाउंटेबिलिटी। चलो इंशाल्लाह, फिर जेंडर क्या है, हमारी क्लास हो चुकी है, ये बंदे ना पीछे जो अहमद आ रहे हैं ना, सारी गलती अहमद की थी। अहमद सबसे अच्छे तुमने दे दिया यार प्रेजेंटेशन, सबसे अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह मैंने दिया। तूने दिया भाई, तूने राइटिंग इतनी की थी, मेरे को समझ नहीं आ रहा था। देखो राइटिंग का थोड़ा इशू है, पढ़ने वाले बच्चों को राइटिंग का इशू है, इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ सही हो जाएगा। आप लोगों से मैं ये विनती करूंगा, ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पढ़े, राइटिंग पे ध्यान, नहीं कि राइटिंग जिस तरह होगा अल्लाह मालिक के। टिपिकल वर्ड समझ नहीं आया ना, मसला ये मैडम की अकॉर्डिंग टू मंसूर मैडम को वोकैबुलरी सही है, अलाउ के मैडम ने पीएचडी ओल्ड है, फिर भी मैडम को बोल रहा है कि इसकी वोकैबुलरी सही नहीं। हाँ मैडम को फिर सजेस्ट, क्या सजेस्ट करोगे मंसूर, तो डॉन न्यूज ज्यादा से ज्यादा पढ़े, अपनी वोकैबुलरी सही करे। ओके नहीं है अमरान दोस्तों, मेरे ख्याल से इनका आज का रोज़ा नहीं है ना। संतोष मेरे ख्याल से रोज़ा नहीं है ना तुम्हारा, अहमद का भी नहीं है ना, इस गर्मी में कौन खेलेगा यार। दोस्तों यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं और इस टाइम नमाज का टाइम है, तो हमें नमाज़ पढ़नी है, तो नमाज़ के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा पॉइंट्स है,
और अभी निकलने वाला है। और दोस्तों मैंने नमाज पढ़ चुका हूँ और अब मैं घर की तरफ जा रहा हूँ और आज बहुत गर्मी है